so hey everyone this is akshi and welcome back to our channel s for success so this is my youtube channel where you get all the educational videos of science english and social science so if you want my new videos then do subscribe to my channel okay so in this lecture we are going to start a poem of our class 10th english ncrt book which is a tiger in the zoo सो पोएम इज रिटन बाई नॉरिस ओके सो ये जो हमारा पोएम है टाइगर इन द जू तो जैसा है कि ये हेडिंग बढ़ गई पता चल रहा है कि इसमें हम एक टाइगर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक जूम है ठीक है जो कि पिंजरे में बंद है तो ये जो पोएम है इसमें एक कंट्रास्ट दिखाया गया है टू टाइगर्स के बीच में यानी कि पहला तो वो टाइगर जो कि जंगल में है जो कि खुले जंगल में रह रहा है ठीक है जो कि फ्रीली घूम सकता है और दूसरे में दिखाया गया है कि वैसा टाइगर जो एक केज में बंद है जो एक पिंजरे में बंद है जो कि एक जू में रह रहा है ठीक है तो यही दो टाइगर्स के बीच में एक कंपेरिजन एक कंट्रास्ट

तो क्या कहा गया हमारे फर्स्ट आंसर में तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे उस टाइगर की बात करें जो कि एक केज में है जो कि एक पिंजड़े में बंद है ठीक है कैसे पता है पिंजरे में बंद है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि सेकंड uh, लाइन में कि द फ्यू स्टेप्स ऑफ इस केज तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि केज वाले टाइगर की बात की जा रही है ठीक है तो यहाँ पे बोला गया कि जो हमारा टाइगर है उसके विविड स्ट्राइप्स है विविड स्ट्राइप्स मतलब बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग स्ट्राइप्स बहुत ज़्यादा ब्राइट स्ट्राइप्स मतलब स्ट्राइप्स जो टाइगर के बॉडी पे जो ब्लैक ब्लैक कलर के मार्क्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइप्स ठीक है तो उसके जो स्ट्राइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा शाइनिंग है ठीक है उसके बाद हमने बोला कि जो टाइगर के जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं बहुत वेलवेटी है सॉफ्ट इन द सेंस कि वो जब चलता है तो बिल्कुल भी उससे आवाज़ नहीं आता है ठीक है फिर बताया गया कि आ, इन स्क्वायट अब क्या होता है कि देखो जो टाइगर है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि वो बहुत खूखार होता है वो लोगों को डराता है वो सब पे रूल करता है मतलब इन द जंगल ठीक है तो वो सारे जानवरों से ज्यादा ताकतवर होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सब पे गुस्सा करता है घुरता है और अपना शिकार करता है तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके लेकिन अब हम उसके कंट्रास्ट में देख रहे हैं कि वैसे टाइगर को वो सेम टाइगर अब जब जू में रह रहा है तो अब उसका क्या कंडीशन है कि सबसे पहले तो क्या हुआ कि उसके जो स्ट्राइप्स हैं वो बहुत ज्यादा चमकीले हैं ठीक है उसके बाद उसके जो वो एक छोटे से केज में रह रहा है और उसके बाद जब उसको गुस्सा आता है तो वो अपना गुस्सा भी नहीं दिखा पा रहा है क्यों क्योंकि क्यों? क्यों? क्यों उसको पता है कि गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है तो यही बोला गया हमारे इस में क्या ही स्टॉक्स इन इज स्ट्राइप्स अब यहाँ ये जो वर्ड है ही का मतलब क्या ही का मतलब है हमारा टाइगर टाइगर से हम इंडिकेट

लर्किंग मतलब छुप के जाना ठीक है के जाना जैसे कि दूसरे जानवरों से बच के जाना। क्यू? 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 ताकि वो उनका शिकार कर सके तो चुपके चुप चुप के, चुप के से जाते हैं अपना शिकार करें ताकि जो सामने वाला जो जानवर उसको पता ना चले कि टाइगर आ रहा है ठीक है तो यही है लर्किंग का मतलब क्या होता है के जाना सो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग

खाने का तो भी वो गुस्सा नहीं दिखा पाता था क्यों क्योंकि क्यों क्यों वो एक छोटे से केज में बंद था पर ये जो टाइगर है ठीक रह है नियर द वॉटर होल जहां पे पानी इकट्ठा हो जहाँ पे हमारा तालाब वगैरह हो जहां पे पानी का कोई सोर्स हो तो वहाँ पे जब सारे जानवर पानी पीने जाएंगे तो ये वहाँ पे जाकर उन पर अटैक करेगा तो ये हमारा सेकेंड स्टैंडा तो बातें अपने थर्ड स्टैंडा पर आर थर्ड स्टैंड है तो so, इसमें जो अभी जंगल में ही है so, अभी इसके पहले वाले stanza, कि में हमने देखा कि जो हमारा वो जो टाइगर था वो जंगल में था और वो कैसे जा रहा था वो जा रहा था चुपके चुपके से जा रहा था और जानवरों को जाके मार रहा था कहा सारे प्लम्प डियर मोटे मोटे डियर्स पानी पीने आ रहे थे तो ये एक नॉर्मल से एक टाइगर का

दराता है और अपने वाइट फैंक्स दिखाता है यानी कि अपना वो उसका जो साइड वाला दांत होता है वो दिखाता है और लोगों को डराता है ठीक है तो बेसिकली यही बताया गया इस पूरे स्टैंड में ठीक है द विलेज विलेज यानी कि पूरे विलेज पे एक टेरर एक दहशत मचा देता है ठीक है जैसे कि शेर को हम जब देखते हैं जब एक टाइगर को हम लोग देखते हैं जब एक लाइन को देखते हैं तो क्या होता है कि हम डर जाते हैं हम सहम जाते हैं ना तो ये जो हमारा टाइगर है तो उसका नेशनल हैबिटेट उसका नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि जब वो ऐसे खुले मैदान में घूमेगा तो वो क्या करेगा वो लोगों को डराएगा अगर वो हमारे एरिया में जाता है तो तो यही हमारा ये थर्ड स्टैंडा बताता है ठीक है तो अब आते हैं अपने फोर्थ स्टैंडा पे अब डिस्कस कर लेते हैं अपना फोर्थ स्टैंडा तो क्या हमारा फोर्थ स्टैंडा कि बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिस्ट्रेंथ बिहाइंड बास टेकिंग देंथ ऑफ हिस केस इग्नोरिंग विजिटर्स ठीक है तो क्या बोला गया कि अब हम कौन से वाले टाइगर की बात करें तो अब हम फिर से वो वाले टाइगर की बात करें जो कि एक केज़ में जो एक पिंजड़े में तो अब क्या है कि जो अभी हमने देखा कि जो हमारा टाइगर जब एक खुले जंगल में रहता है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है तो वो अपना पूरा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है यानी कि वो लोगों को डराता है जाके वो जानवरों पर जाके अटैक करता है वो डियोस को मारता है तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक टाइगर की ठीक है यही सारी तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक टाइगर की पर अगर हम उसी टाइगर को एक केज में एक पिंजरे में तो हाल कैसा बिहेव करने लगता है वो तो वो बताया गया है हमारे फोर्थ में तो क्या बोला गया कि बट ही लॉक्ड इन हिज कॉन्क्रीट सेल तो जैसे कि अभी हमने देखा कि टाइगर की क्या के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे तो अब क्या किया गया कि अब उसी टाइगर को हमने कॉन्क्रीट सेल में बंद कर दिया गया यानी हमने उसको एक सीमेंट के पिंजरे में बंद कर दिया गया ठीक है कॉन्क्रीट सेल है जिसको वो तोड़ भी नहीं सकता ठीक है His strength behind bars, taking the length of his केस ignoring visitors. अब वो क्या कर रहा है कि अब जैसे कि क्या है कि, अब जब वो टाइगर को हमने जू में रखा जैसे कि हमें तो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जब जू जाते हैं तो हम जब टाइगर्स को देखते हैं तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह आज तो हमने टाइगर्स देखा हम हम लोग लो उसके साथ फोटो शूट करते हैं दूर से ही करते हैं लेकिन फोटो शूट करते हैं उसको पोस्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें हम करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ठीक है लेकिन हम कभी उस टाइगर के बारे में नहीं सोचते फिर हम कभी उस जानवर के बारे में नहीं सोचते जो खुद पिंजड़े में रह रहा है ठीक है सोचो जो खुद के बारे में हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम ऐसे खुले रहते हैं अब हमें अगर कोई जेल में ले जाकर बंद कर दे या फिर कोई पिंजरे में बंद कर दे जिसका छोटा सा स्पेस हो और हमें बस बोला जाए कि हमें बस उतने देर में ही रहना है तो हमें कैसा लगेगा हम बिल्कुल ही अच्छा नहीं फील करेंगे तो वैसे ही होता है हमारे टाइगर के साथ भी जो कि एक कैड में है जो एक जू में रह रहा है ठीक है तो अब क्या होता है कि वो जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उसको रखा गया तो वो तो उस टाइम बहुत थोड़ा एक्टिव था क्योंकि उसको नेचुरल हैबिटेट से लाके हम लोग सीधे हम लोगों ने उसको जू में रख दिया तो वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक्टिव था मतलब अपने केस से ही लोगों पे ऐसे घुर आता था

तो अब जल्दी से डिस्कस करते हैं ना लास्ट ऑफ़ दी दोएम तो क्या ये कि ही बियर्स लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कास्ट एंड स्टेज विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार तो क्या बोला गया यहाँ पे कि अब क्या है कि अभी भी हम उसी वाले टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं जो जू में है ठीक है तो अब क्या होता है कि अब रात हो चुकी है तो अब रात को क्या होता है कि ये जो टाइगर होता है ये लास्ट वॉइस सुनता है ये लास्ट वॉइस ऐसे सुनता है तो ये लास्ट वॉइस सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की यानी कि वो कार जो पुलिस का जो पेट्रोलिंग कार्स होता है जिसमें आवाज जिसमें साउंड आता है तो वो वो लास्ट वॉइस सुनता है और उसके बाद वो अपने ब्रिलियंट आई से स्टार्स को देखने लगता है और ऐसे ही उसका पूरा दिन बीत जाता है ठीक है तो इसके इसमें क्या बताया गया इसमें इसके पूरे दिन की बात बताई गई सबसे पहले तो वो सुबह होता है सुबह होता है तो उसको कभी दौड़ने का मन करता है हमारे टाइगर को कभी घुर्राने का मन करता है कभी उसको भागने का मन करता है कभी जानवरों को हंट करने का मन करता है पर वो कुछ भी नहीं कर सकता उस केज़ में वो केज बहुत छोटा सा एक पिंजरे में उसको बंद कर दिया जाता है और उसको कुछ भी करने को नहीं मिलता है ठीक है फिर क्या होता है कि फिर ऐसी रात हो जाती है और फिर वो विजिटर्स को इग्नोर करने लगता है मतलब उसको पता है कि वो अपना एक्टिविटी शो करके भी अब क्या उसको फ़ायदा वो ना तो उन लोगों को मार सकता है ना तो उन लोगों को छू सकता है कुछ भी नहीं कर सकता तो वो क्या करता है वो जस्ट विजिटर्स उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और रात को वो लास्ट वॉइस सुनता है लास्ट वॉइस किसकी सुनता है तो लास्ट वॉइस सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की जो पुलिस की कार्स होती हैं तो वो वो पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस सुनता है और उसके बाद वो अपने ब्रिलियंट आई से यानी कि वो अपनी आई से वो उसके शाइनिंग आई से वो स्टार्स की तरफ उन शाइनिंग स्टार्स की तरफ देखता है और ऐसे ही उसका पूरा दिन गुजर जाता है ठीक है तो चलो अब इस पोएम को समराइज़ करते हैं ठीक है तो ये जो पोएम है ये कंट्रास्ट दिखाई गई है दो टाइगर्स के बीच में सबसे पहला तो वो टाइगर है जो एक जंगल में रहता है जो अपने नेशनल हैबिटेट में रहता है और दूसरा कौन सा टाइगर है तो दूसरा वो टाइगर है जो एक जू में बंद है जो एक पिंजरे में कैद है ठीक है तो वो टाइगर जो नेशनल हैबिटेट में रह रहा है तो टाइगर्स की जैसे कि जो नेशनल कैरेक्ट्रिस्टिक्स है वो क्या क्या है यानी कि टाइगर दौड़ता है भागता है हंट करता है फिर क्या करता है कि उसका जब घुराने का मन करता है तो वो घुराता है उसका जो मन वो वो करता है ना लेकिन अगर हम उसी के कंपेरिजन में वो टाइगर को देखे जो एक जू में बंद है जो एक कैद में है तो वो उसका क्या होगा कि वो कुछ भी शो नहीं करता है तो थीके? तो ठीक है क्या था हमारी ये पूरा कि वो वाला टाइगर जो एक जू में था तो यानी कि उसके ब्लैक स्ट्राइप्स हैं उसके जो विविड स्ट्राइप थे बहुत शाइनिंग स्ट्राइप्स थे और उसका जो फीट था वो बहुत ज्यादा पैडेड और वेलवेटी था ठीक है उसका जो पैर था उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था बहुत वेलवेट अपियरेंस बहुत वेलवेट टेक्स्ट था उसके पैर का ठीक है और वो एक छोटे से कैद में था वो एक छोटे से केज में बंद था और उसको जब भागने का मन करता था तो वो भाग नहीं पाता था उसको जब जो कुछ भी उसको करने का मन करता था वो वो नहीं कर पाता था ठीक है फिर हमने अपने सेकंड में उस वाले टाइगर को देखा जो एक खुले जंगल में रह रहा है ठीक है तो उस टाइगर का हमने क्या देखा कि वो चुपचाप छुप छुप के झाड़ियों के बीच से जाता है और जानवरों को हंट करता है वो वहां पर जाता है जहां जो प्लम डियर्स है जो मोटे मोटे डियर्स हैं वो पानी पीने आते हैं ठीक है तो ये हमने अपने सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा थर्ड स्टैंड में हमने क्या देखा तो थर्ड स्टैंडर्ड में हमने फिर से उसी टाइगर को देखा जो कि एक जंगल में है

हमने आज टाइगर देखा हमने आज बियर देखा हमने ये देखा हमने वो देखा पर कभी हम उस एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते सोचो कि उस एनिमल को कैसा लगता होगा उस केज में ठीक है सोचो कि अभी अगर हमें ही कभी किसी ने केज में बंद कर दिया छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया और जैसे उन लोगों ने जैसे हमें ट्रीट करना स्टार्ट किया हमें वैसे ही रहना पड़ा तो कैसा लगेगा हम बिल्कुल भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे वैसे ही हमें उन जानवरों के लिए भी सोचना चाहिए हमें कभी भी किसी जानवर को खुद के लिए कैद करके नहीं रखना चाहिए खुद को हैप्पी रखने के लिए खुद को खुश रखने के लिए हमें किसी दूसरे को कभी हार्ट नहीं करना चाहिए